अब जो आपने बताया कि आप लोधी कम्युनिटी से आते हैं, लोधी समाज से आते हैं, अगर आपको हिंदू धर्म में से और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा में से कोई चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? मैं बहुजन विचारधारा को चुनूंगा और पूरा जीवन पर्यंत इसी पर काम करूंगा। आप देख रहे होंगे कि ओबीसी महासभा पे जो ज्योतिबा फूले से लेकर सावित्रीबाई फातिमा शेख, कर्पूरी ठाकुर, अम्बेडकर, फूले, पेरियार, इन सब की विचारधारा, कबीर, रविदास, बसमन्ना, चोखा मेला से लेकर के जो हमारी गौतम बुद्ध से जो स्टार्ट हुई थी, तथागत बुद्ध से जो लेकर के उस हिस्ट्री को हम जान रहे हैं और हम उसे क्लेम भी करेंगे आने वाले टाइम में कि हमारा इतिहास छोटा मोटा नहीं है। ये तो सारा इतिहास जो बिगाड़ा है वो 10वीं सदी के बाद में बिगाड़ा है। हमें पाली भाषा पढ़ने से रोका गया है। क्यों रोका गया है? जो संस्कृत भाषा, एक ऐसी भाषा को बोलने के लिए ये कहते हैं कि जो ना तो कागज में कहीं चलती है ना पूरे देश में कहीं पर बोली जाती है, उस संस्कृत भाषा को हम पर थोपा जा रहा है, जबकि पाली भाषा को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। मैं ओबीसी महासभा की तरफ से ये भी ऐलान करता हूं कि आने वाले समय में हमारे आने वाले बहुजन बच्चों को पाली भाषा सिखाई जाए, जिससे वो सीख सकें कि इन्होंने किस तरीके से, आप देखेंगे कि रामायण में, रामचरितमानस में एक आता है कि जो बहुजन समाज के जो लोग होते हैं, कोली कुम्हार, ये अगर ये समाज के अनुसार नहीं चलते तो इनको मुड़वा दिया जाता है, गंजा कर दिया जाता है। क्यों किया गया? क्योंकि गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे वो सर मुड़ा के रहते थे, इस तरीके से उन्होंने जो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे उनको बदनाम किया। आजकल तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब जो लोधी समाज है वो सब कुछ छोड़ करके अम्बेडकरवाद के, फूलेवाद के रास्ते पर चल दिया है, तो आपको नहीं लगता कि आप ही की जाति के जो लोग हैं वो आपका विरोध करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। एक दो पंक्तियां पढ़ूंगा, बहुजन समाज पर लिखता भी हूं कि समाज हम इतिहासकारों को जाते, समझ हम इतिहासकारों को जाते, अमर निशानी कुछ होती, पद्मावत का जौहर ना होता, सिवा जवानी कुछ होती, गर एक लव्य का न कटता अंगूठा, तो महाभारत की कहानी कुछ होती। तो ये इनको बनाया जाता है, चाहे कर्ण हो चाहे एकलव्य हो, इनको पीछे रखा जाता है। आज भी समाज में द्रोणाचार्य रहे हैं, आपको मालूम होगा शायद राजस्थान की घटना, इंद्र कुमार मेधवाल की, एक टीचर के द्वारा उसको घड़ा छूने पर उसकी पीट पीट के हत्या कर दी जाती है। तो आज भी शिक्षक के रूप में द्रोणाचार्य रहे, हो सकता है वो बच्चा कितना तेज होता, आने वाले समय में IAS बनता, हो सकता है द्रौपदी मुर्मू की तरह राष्ट्रपति बनता या रामनाथ कोविंद की तरह तो नहीं बनता। तो मैंने दो ओबीसी समाज की, लोधी जाति के दो लोगों से बात की, आप भी आइए, क्या नाम है आपका, आइए थोड़ा सा पास को, थोड़ी बातचीत कर लेते, क्या नाम है? राकेश लोधी। राकेश लोधी जी, ये जो दो लोधी बिगड़ गए हैं आपके समाज के, ये कृष्ण को नहीं मान रहे, राम को नहीं मान रहे, रामायण को नहीं मान रहे, हिंदू धर्म को नहीं मान रहे, ये अम्बेडकर की बात करें, लोधी होने के बाद में अम्बेडकर की बात करना, फूले, कबीर, नानक की बात करना, ये बिगड़ गए, जाति से बाहर करवाओ इनको। नहीं, बिगड़े नहीं है, बाबा साहब के कारण ये सुधरे हैं, मुझे लगता है सुधर गए, सुधर गए, मुझे तो लग रहा है बिगड़ गए। नहीं नहीं, सुधर गए हैं। हमारे यहाँ बुलंदशहर साइड के जो लोधी हैं, अलीगढ़ बुलंदशहर के, वो बड़े क्या नाम है, क्रांतिकारी, वो पक्के हिंदू हैं साहब? नहीं, ये भी तो बुलंदशहर के हैं, अब सुधर रहे हैं। क्रांति जो है बाबा साहब की ओर से, फुले अम्बेडकर की क्रांति अब फैल रही है। वास्तविकता क्या है कि जब तक गुलामी का एहसास गुलामों को ना हो तब तक आज़ाद होने के लिए छटपटाती नहीं है। अब लोधी समाज को भी गुलामी का एहसास होगा तो छटपटा रहा है विचारधारा पकड़ करके। मतलब आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में बहुजन एकता बनेगी? निश्चित बनेगी। हम लोग जो सपना काशीराम साहब ने, पेरियार लाली सिंह यादव ने, और क्या नाम है, कर्पूरी ठाकुर ने, जगदेव बाबू कुशवा ने, रामस्वरूप वर्मा ने, क्या नाम है, उधराक्रम कहें तो क्या नाम है, हमारे बीच नहीं रहे शरद यादव जी, लालू यादव जी, इन लोगों ने देखा था, क्या वो एका बनेगी? 85% बहुजन समाज एक मंच पर आएगा? मुझे लगता है बनेगी और बन रही है। जो आज यूथ है, आप लोगों की देन है बहुजन मीडिया की, बहुजन मीडिया से लोग बाग देख देख के आज हमारे जो यूथ है, और आज जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, डिग्री लेके घूम रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में 27% में वैकेंसी निकलती हैं और से एग्ज़ाम दिए जाते हैं, सब सारी चीज़ें होती हैं, जब लेकिन जब उनकी वैकेंसी जब नंबर आता है तो 13% होल्ड किया जाता है। तो मुझे लगता है वही हिंदुत्व वाले आज नौकरी में, और बहुजन विचारधारा की बात, चूँकि जो हमें अधिकार मिलना है वो बाबा साहब के संविधान से मिलना है, मुझे लगता है आज यूथ में ये परिवर्तन आ रहा है। एक तरफ तो जब क्या नाम है, जो अखिलेश यादव है, जो मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो उनकी कुर्सी गौमूत्र से धोई जाती है, वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम तो शूद्र हिंदू, हम तो शूद्र हिंदू हैं, और बाद में मुलायम सिंह यादव जी की डेथ के बाद में
वो सारे काम जो हिंदू धर्म के अनुसार ही करते हैं, सर भी मुड़वाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, गंगा जी भी जाते हैं, तो ये कैसा नकली हिंदूवाद है? हिंदू धर्म से पीछा भी नहीं छूट रहा है और वही हिंदू धर्म आपकी कमर पर लाठी भी मार रहा है, कारण क्या? मतलब मोह नहीं छूट रहा या डर है कहीं ना कहीं भगवान का? 100 साल की गुलामी 10 साल या 5 साल में नहीं, मुझे लगता है, मुझे तो अच्छा ये लगता है कि लोग बाग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, बहुजन विचारधारा से जुड़ने के लिए, ये महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100 साल की गुलामी को हम 10 दिनों में ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये यूथ है जो युवा परिवर्तन की ओर जा रहा है और निश्चित तौर पर बहुजन विचारधारा की ओर बढ़ रहा है। चलिए, तो मैंने कुछ लोगों से बात की जो लोधी समाज से आते हैं, और लोधी समाज से मैंने इसलिए बात की खासतौर से, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए हैं, जाट, गुजर, यादव, पटेल, कुर्मी, कुशवा, साक्य, मौर्य, ओबीसी समाज के खासतौर से, लेकिन लोधी समाज के लोग मुझे पहली बार लगे। मेरे एक मित्र हैं संजय लोधी, मेरे साथ 6th क्लास से वो पढ़े, आजकल बुलंदशहर में SDM के जो है वो स्टेनो हैं, तो मैं अक्सर उनको समझाता रहा, मैं 20 साल में उनको समझा नहीं पाया, वो हिंदू के हिंदू रहे, लेकिन अब ये इंटरव्यू मैं उनके लिए भेजूंगा और कहूंगा कि देखो अब आप ही के समाज के लोग हैं जो क्रांति कर रहे हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद आप तमाम लोगों का जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर हो तो हमें फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, दिल्ली।